नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को यूज करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इजी माई डील ऐप का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बहुत ही मिनिमम चार्जेज में या कहें ऑलमोस्ट फ्री में आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इजी माई डील ऐप का यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को UPI के माध्यम से भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, या QR कोड का स्कैन करके भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोगों ने कोशिश करा होगा या ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो आपको लगभग 2-4% हर ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन फीस देना पड़ता है। अब वो चाहे MobiQuick हो, चाहे क्रेड हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे फ्रीचार्ज हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको 2-4% देना ही देना है। और दोस्तों, इस ऐप का यूज करके आप सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो इससे आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं ये सारा प्रोसेस समझने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल को होम पेज में। अब यहाँ से मैं आपको इजी माई डील ऐप से जुड़े सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश करूँगा। बस आपको करना ही है कि पूरे वीडियो में बने रहना है, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं से स्किप कर दिया तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। अब पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं जो भी कुछ बताना चाह रहा हूँ आप समझ पाएंगे। सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया पहले, क्या क्या आप इजी माई डील ऐप से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, आप पूरी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग अपने ऐप में। तो दोस्तों, यहां देख पा रहे हैं इजी माई डील ऐप है, इसको करते हैं ओपन। और दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके बड़ी ही आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए, ये दोस्तों देखिए इजी माई डील ऐप का होम पेज ओपन हो गया है। जैसे होम पेज ओपन होता है, कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। अब दोस्तों, अगर यहां आप देख पा रहे हो तो पहले लिखा हुआ क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट और स्लैश में UPI, तो आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और चाहे तो UPI से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो दोस्तों, इसको करते हैं क्रॉस पे, ऊपर देखिए लिखा क्रॉस, इसको क्रॉस कर दिया। अब जैसे क्रॉस करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, और ये इजी माई डील ऐप का होम पेज है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कई विकल्प मिल जाते हैं, पर हम लोगों को क्या करना है, जो मैंने बताया आपको, पहले चलते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, और उसके बगल में अगर आप देख रहे होंगे बाएं तरफ तो स्कैन एंड पे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहले करते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफ़र। तो इस पर करते हैं क्लिक, कर दिया क्लिक। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे इसमें लिखा था UPI और बैंक अकाउंट दोनों में ही अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए करते हैं इंटर बैंक अकाउंट। जैसे दोस्तों आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, और यहाँ ऊपर आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो लिखा हाउस रेंट। दोस्तों, जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे हाउस रेंट में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर आप हाउस रेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कैशबैक नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे विकल्प दिखेंगे, आपको स्कूल फीस, ट्यूशन फीस पे सेलेक्ट करना है। तो ट्यूशन फीस पे करता हूँ मैं सेलेक्ट। ट्यूशन फीस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसमें अपनी डिटेल एंटर करनी है। तो मैं अपना डिटेल एंटर करूँगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं इसमें, ये दोस्तों मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाला है, आप अपना डाल लेंगे। उसके बाद IFSC कोड जो भी आपका होगा आप एंटर करेंगे। आपका नाम क्या है वो डाल लेंगे, मेरा नाम पूछ रहा रजनीश, नाम मेरा आप जानते हैं। अब कितना पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डाल लीजिए। मैं इसमें मान लीजिए 10,000 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैंने 10,000 एंटर कर लिया है। अब इसको दोस्तों करते हैं प्रोसीड। दोस्तों, जैसे प्रोसीड करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ नीचे सबसे पहले देखेंगे तो मेरे बैंक अकाउंट में डिटेल दिख रहा है। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको तीन विकल्प दिखाई पड़ता है। तो पहले विकल्प में लिखा है क्विक ट्रांसफ़र। अगर आप क्विक ट्रांसफ़र करते हैं तो इनकी जो फीस है 1.7% है, वो लो को रखा है इसमें मेरे में।
उसके बाद दूसरे नंबर पे है लेजी ट्रांसफ़र। तो दोस्तों लेजी ट्रांसफर की जो फीस है 1.35% है, वो आप देख रहे हैं। नीचे वाला जो देखिए लिखा है स्लो ट्रांसफर, स्लो ट्रांसफर में जो फीस है उनकी 1% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1% पे क्लिक करेंगे। ये कर लिया क्लिक। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैंने कहा था कि ये फ्री में ट्रांसफ़र है, आपको पैसे नहीं पे करना पड़ेगा, फ्री में है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया है पहले भी कि वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना, यहाँ नहीं स्किप करना है। दोस्तों अभी तक आप जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे, चाहे वो क्रेड हो, चाहे मोबीक्विक हो, चाहे पेटीएम हो, जिस ऐप से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसमें आपको लगभग 2% से 4% देना पड़ रहा है आज के समय में। तो अब यहाँ पर अगर कंपेयर करें, अब जैसे मैंने अगर आप देख रहे हो पहले 10,000 ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो 10,000 ट्रांसफ़र करने की जो फीस है वो लगभग 200 रुपये हो सकता है, 200 रुपये हो सकता है, 230 रुपये हो सकता है, 190 रुपये हो सकता है, 300 रुपये, ऐसा फीस आपको ऐप टू ऐप डिफर हो सकता है, अलग अलग लग सकता है। यहाँ पे क्या है, 1% आपको लगना है। सबसे बड़ी बात क्या है, 1% लगने के बाद आपको 1% कैशबैक मिल सकता है। अब कैसे दोस्तों, जो क्रेडिट कार्ड मैं यूज करना चाह रहा हूँ उन सब क्रेडिट कार्ड में 1% कैशबैक है। चाहे आप, मैं नाम लेता हूँ दो तीन क्रेडिट कार्ड का, पहला अमेजोन का जो ICICI का अमेजोन वाला क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद दोस्तों फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और इंडसइंड का जो लेजेंड है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें 1% है या उससे भी ज़्यादा का कैशबैक है। फ्लिपकार्ट वाले में 1.5% का कैशबैक है, जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे कार्ड हैं, पर मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ। तो 1% अगर आपका लग रहा है और 1% आपको कैशबैक मिल जा रहा है, तो लगभग ऑलमोस्ट आपका ट्रांसफ़र फ्री हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दोस्तों। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड। अब अगर मैं 10,000, आप समझ लीजिए 10,000 मैं ट्रांसफ़र करूँगा, पहले सेलेक्ट करते हैं तब आप देखिएगा। ये कर लिया, अब 10,000 मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे जो फीस लग रही है वो 118 रुपये मुझे फीस लग रही है, और 118 रुपये फीस लगने के बाद मुझे 100 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो मेरा लगभग 18 रुपये ही एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि 100 रुपये मुझे कैशबैक मिल जाना है, तो 18 रुपये ऑलमोस्ट फ्री हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये फ्री हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। पहले ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। चलिए इस पर करते हैं क्लिक, पे, पे पे क्लिक करा। जैसे पे पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ आपको अपना कार्ड डिटेल डालना है। सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ। मेरा नाम दोस्तों आप जानते हैं रजनीश कुमार है। डाल एंटर कर ले। एंटर करने के बाद अब आपको कार्ड नंबर डालना है। मैं अपना कार्ड नंबर एंटर करता हूँ, आप अपना कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ मंथ और डिटेल, फिर CVV नंबर, ये एंटर कर लिया। एंटर करने में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है दोस्तों। 10,000 पे सिर्फ 118 रुपये लग रहा है, और उसके बाद 1% आपको कैशबैक मिलना है। तो 1% कैशबैक मिलेगा 100 रुपये, तो आपका जो पैसा लगने वाला है सिर्फ 18 रुपये। और 18 रुपये के बाद अगर आप चाहें तो, क्योंकि 10,000 पर 18 रुपये लगा तो ऑलमोस्ट फ्री है, उसके बाद आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों समझ आ गया OTP, OTP के बाद OTP इंटर करते हैं। ये दोस्तों OTP इंटर कर लिया मैंने। OTP इंटर के बाद इसको सबमिट कर दिया। अब ये प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए दोस्तों। अब आपके सामने मैंने ट्रांसफ़र करके दिखाया है, फीस इसमें जितनी भी लगी है वो भी आपने देख लिया है। अब सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद जो ड्रॉबैक है उसका, इसमें सिर्फ एक बुराई है कि ये दो बिजनेस डे के बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला है। तो लगभग 2 दिन इसमें लगने वाला है, 2 बिजनेस डे के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब आपका 18 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो उसको तो आपको वापस लेना है ना, तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलते हैं हम लोग वापस इसके होम पेज में। ये दोस्तों आ गए होम पेज में। अब दोस्तों जैसे हम लोग होम पेज में आ गए, तो होम पेज के बाद आपको क्या करना है, ऊपर भी दिख रहा है, और ऊपर क्योंकि स्क्रॉल होता जा रहा है, तो हम लोग करते हैं नीचे स्क्रॉल। नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ लिखा है इन्वेस्ट विद प्रॉफिट। तो आपको करना है सिर्फ सिंपल इस पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपने 10,000 ट्रांसफ़र करा है, तो 10,000 की जगह मान लीजिए आपने 1,00,000 ट्रांसफ़र करा है। तो अगर 1,00,000 ट्रांसफ़र करें हैं आप, तो 1,00,000 के ट्रांसफ़र का 1% आपको लगना है वहाँ पे, फिर तो 1,00,000 के ट्रांसफ़र पे लगेगा लगभग 1,000 रुपये, 1,000 प्लस GST, तो 1,180 रुपये लगभग आपको लगेगा। अब तो पैसे बचाना भी तो है, कैसे समझिए, इस पे करते हैं ऐड पे क्लिक। चलिए ऐड पे क्लिक करा, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ कितना आपको मिलना है, कितना बचना है सब दिख जाएगा। तो 1,00,000 रुपये एंटर करें, 1,00,000 रुपये एंटर करा। 1,00,000 के अगर ट्रांजेक्शन आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको कितना लगने वाला है, 1,00,000 पे जो फीस लगेगी 1%, 1,000 रुपये फीस लगेगी प्लस 18% GST, तो 1,01,180 रुपये लगेगा। और कैशबैक मिलेगा आपको 1%, अगर आपका 1% का कार्ड है, और 1.5% कार्ड है तो और बढ़िया, में 1% कार्ड पे आपको 1,000 रुपये कैशबैक आ जाएगा। तो अब आपका लगा कितना, 180 रुपये एक्स्ट्रा। और 1,00,000 आपने यहाँ रख दिया 1 महीने के लिए, क्योंकि आपको साइड तो 45 दिन का मिलता है, तो आपको 30 दिन अगर आप रखते हैं तो आपको मिलेगा लगभग 833 रुपये, और आपका एक्स्ट्रा कितना लगा है, 180 रुपये। तो कितना आपको बच रहा है महीने में, कैलकुलेटर से देखते हैं। कैलकुलेटर निकाला, 833 आपको महीने में बच रहा है, 180 आपका लगा, तो 653 रुपये दोस्तों आपको बच जाएगा। तो इस तरह करके 653 रुपये आप अर्न कर सकते हैं इस ऐप का यूज करके। तो अब चलते हैं दोस्तों तीसरा, ये तो हो गया दूसरा, अब चलते हैं तीसरे जो मैंने आपको बताया है। ये होम पेज में वापस आ गए अभी, अब दोस्तों वापस आ गए, और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा है स्कैन एंड पे वाया कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ इजी माई डील अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्कैन करके UPI के थ्रू सिर्फ इजी माई डील ऐप का यूज करके कर सकते हैं। और इससे पहले सिर्फ ये सुविधा रुपए में अवेलेबल है, जिसमें आप गूगल पे या फोन पे का यूज करके रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ इजी माई डील दे रहा है। अब करते क्या है आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो दोस्तों ट्रांसफ़र करने के पहले आप किसी का भी UPI जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका UPI नंबर, और या तो बार कोड स्कैनर को आप मंगवा लीजिए, या तो अगर आपके पास पेटीएम बिजनेस का एप्लीकेशन है तो उसमें QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप सेंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अगर आपके पास डायरेक्ट UPI सामने रखा तो उसको पे कर सकते हैं, नहीं तो अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए। इसको करते हैं स्कैन, ये ओपन हो रहा है अब दोस्तों, क्योंकि मेरे मोबाइल पहले से ही है, तो इसको करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पे जो भी पैसे आपको ट्रांसफ़र करना हो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मान लें 10,000 रुपये, तो 10,000 इंटर करता हूँ, उसके बाद प्रोफिट कर दीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आप ध्यान रखिए, वापस बताता हूँ, अब जो भी आप पैसे जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर जो हाउस रेंट लिखा है इस पर आप ध्यान रखेंगे। आप ट्यूशन फीस, स्कूल फीस ये कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रेंट पेमेंट में आपको कैशबैक नहीं मिलता है। तो रेंट पेमेंट नहीं करेंगे आप, ट्यूशन फीस या स्कूल फीस करके जो भी पैसे एंटर करना, एंटर करने के बाद प्रॉफिट कर दीजिए। प्रॉफिट करने के बाद अभी देखिए जो दोस्तों बफरिंग चल रही है, अब वापस सेम इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, आपने पहले देखा है। तो जो भी आपको तुरंत चाहिए तो तुरंत में आपको 1.3% लगेगा, और अगर आपको स्लो ट्रांसफ़र चाहिए, स्लो ट्रांसफ़र 2 दिन बाद होता है दोस्तों, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने में दोस्तों लगभग 118 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है, और 118 रुपये आप उन क्रेडिट कार्ड से करिए जिसमें 1% 1.5% कैशबैक है। तो 1.5% पे आपको ज़्यादा मिलेगा, 1% पे आपको 1.5% आप ट्रांसफ़र करेंगे आप तो आपको कैशबैक ही लगभग 150 रुपये मिल जाएगा, और अगर 1% वाले ट्रांसफ़र करेंगे तो लगभग आपको 100 रुपये मिलेगा, और 18 रुपये मिनिमम है दोस्तों। और चाहें तो 10-5 दिन रख के आप पैसे अर्न कर सकते हैं।